भाई आप सब कैसे हैं? आज हमारे पास एक यात्री का रिक्शा आया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम क्या है आइए ड्राइवर साहब से पूछते हैं। तो ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, तो इनसे पूछते हैं इनकी गाड़ी में आखिर प्रॉब्लम क्या आई है। तो क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? हमारी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। अच्छा, गाड़ी चल रही थी, चलते चलते बंद हो गई। और चलते चलते बंद हो गई, सारी लाइटें ऑफ हो गई, गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। तो एक बार देखते हैं कि इसमें लाइटें वगैरह कोई जल रही हैं या नहीं जल रही हैं। तो देखिए, यहाँ पे जब चाबी को ऑन कर रहे हैं तो ना मीटर की लाइट जल रही है, और इधर वाला अगर लाइट वगैरह जलाते हैं, हारन बजाते हैं, तो कोई भी हारन लाइट इंडिकेटर हमारा नहीं जल रहा। ठीक है, तो अब इस फॉल्ट को हम लोग ठीक करेंगे मिलके, और ध्यान से देखेगा पूरी वीडियो को। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आप ई रिक्शे की नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो चलते चलते जब गाड़ी बंद हो जाती है, जब सारी लाइटें बंद हो जाती है, तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, सबसे मोटी चीज़ चेक करना है, वो है हमारी बैटरी। तो बैटरी का एक एक तार चेक करना है कि कहीं हमारा कोई तार चलते चलते टूट तो नहीं गया। तो इसको डिक्की को खोलते हैं फटाफट, और डिक्की को खोलने के बाद सबसे पहले एक एक तार को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये तार बिल्कुल मजबूत है, ये भी बिल्कुल ओके है, और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कार्बन लगा हुआ है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, मगर तार हमारा बिल्कुल मजबूती से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली डिक्की को बंद कर देंगे, इधर वाल भी चेक करेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे तो इधर वाले भी तार हमारे बिल्कुल परफेक्ट लगे हुए हैं, और इधर वाल भी देखिए थोड़ा सा कार्बन है, मगर एक बार हिला के देख लेते हैं तो बिल्कुल ओके है यहाँ पर। तो अब हमको क्या चेक करना है, जब यहाँ पर सारे तार, कोई भी तार टूटा नहीं है, सारे तार लगे हुए हैं, तो अब ये देखना है जो बैटरी की हमारी सप्लाई है 48 वोल्ट जो हमारे कंट्रोलर में जाती है। तो अब हम पीली डिब्बी में चेक करेंगे जाके, डायरेक्ट यहाँ से आगे वाली सीट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए ज़रा, तो इसको यहाँ से हटा के, और यहाँ पे जो हमारी पीली डिब्बी लगी होती है, देखिए इसमें सप्लाई जाती है 48 वोल्ट कंट्रोलर में। ठीक है, जब हमारी 48 वोल्ट सप्लाई जाएगी तभी हमारा कंट्रोलर ऑन होगा, क्योंकि 48 वोल्ट का हमारा कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको चेक करना है, हमने सारे तार तो चेक कर लिए बैटरी के, अब यहाँ चेक करेंगे कि बैटरी से जो 48 वोल्ट करंट आता है वो यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको हम पहले सबसे पहले पेचकस की मदद से खोल लेंगे। ठीक है, इसके दोनों पेचों को खोलेंगे, और ये हमारा मल्टीमीटर है। ठीक है, तो मल्टीमीटर को हम किस पे सेट करेंगे, 200 वोल्ट पे सेट करेंगे। अब 200 वोल्ट पे इसलिए मैं सेट करता हूँ क्योंकि देखिए हमारी गाड़ी में जो वोल्टेज होता है वो 48 वोल्ट बहुत ज़्यादा, 50 वोल्ट, 55 वोल्ट, ठीक है, 60 वोल्ट, तो ये 200 वोल्ट पे जब आप लगा दोगे तो 200 वोल्ट तक के आप हर चीज़ को चेक कर सकते हो नॉर्मली। तो 200 वोल्ट पे हमने सेट कर दिया मल्टीमीटर को। अब देखते हैं हमारा मल्टीमीटर 48 वोल्ट दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे अगर 48 वोल्ट आ रहा होगा तो मीटर हमारा ज़रूर शो करेगा। तो दोनों तार इसमें लगा देते हैं, लाल में लाल, काले में काला लगा देते हैं मल्टीमीटर का, और यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ लगाई दे रहे हैं, ये लगा दिया, अब मीटर में देखते हैं। तो मीटर में आप देखेंगे एक वोल्ट कम है खाली, बाकी आपका 47 वोल्ट सप्लाई आ रही है। ठीक है, यानी कि पूरा 48 वोल्ट हमारी सप्लाई हमको मिल रही है। तो इसका मतलब है बैटरी से हमारी जो सप्लाई कंट्रोलर में आती है वो बिल्कुल ओके है, यहाँ वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या चेक करना है इस कंडीशन में, देखिए अगर हमारी MCB भी ख़राब होती तो इसमें सप्लाई नहीं आती पीली डिब्बी में, इसका मतलब है MCB भी सही है, बैटरी के सारे तार भी सही हैं, यहाँ पे पीली डिब्बी में भी सप्लाई आ रही है। तो अब हमको क्या चेक करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब हमको चेक करना है ये जो हमारा लॉक होता है। ठीक है, तो लॉक से, लॉक में 48 वोल्ट सप्लाई जाती है, जब चाबी को हम ऑन करते हैं तो 48 वोल्ट सप्लाई आउटपुट होके वो हमारी आती है इग्निशन वाले तार में। देखिए यहाँ पे आपको एक सिंगल तार मिलेगा इग्निशन वाला, देखिए ये होता है, ये हमारा तार होता है, और ये हमारा जो सिंगल तार कंट्रोलर में होता है ये हमारा लॉक का तार होता है, जिससे इस नीले वाले तार को जब आप ये यहाँ पे लाल वाले में लगाओगे तो हमारी गाड़ी डायरेक्ट हो जाएगी। तो अब हम एक बार डायरेक्ट करके देखेंगे, यहाँ पे देखिए हमने
ये जो सिंगल वाला तार था इग्निशन का, इसको हम लगाएंगे पीली डिब्बी के लाल वाले तार में 48 वोल्ट में, और चला के यहाँ से गाड़ी को देखेंगे। तो देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, एक बार यहाँ लगाओ, सामने से वीडियो दिखाते हैं। तो वहाँ पे देखिए तार को लगा दिया, जरा एक्सीलेटर लेना हल्का सा हल्का सा। तो देखिए गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। गाड़ी हमारी देखिए जब डायरेक्ट इसको लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है ये जो हमारा लाल वाला तार होता है, इसमें जो सप्लाई आती है वो हमारी आती है लॉक से, ठीक है। जब हम चाबी को ऑन करते हैं तो ये जो हमारा तार होता है इग्निशन वाला, इसमें सप्लाई आती है लॉक से। तो इसमें चेक करते हैं कि आखिर इसमें 48 वोल्ट सप्लाई लॉक से आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि गाड़ी हमने डायरेक्ट लगा के चेक कर ली, डायरेक्ट हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं लगा के कि इसमें सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए जब लाल वाले तार में एक प्रॉप लगा देंगे मल्टीमीटर की और एक काले वाले में लगाएंगे और देखेंगे यहाँ पर 48 वोल्ट, तो देखें यहाँ नहीं आ रहा है। और वो तो मुझे पता ही था क्योंकि वोल्टेज यहाँ नहीं आ रहा होगा, अगर यहाँ वोल्टेज आ रहा होता तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती। फिलहाल इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा, जब तक के इसमें लॉक से वोल्टेज नहीं आएगा 48 वोल्ट, जब तक के गाड़ी हमारी चाबी से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, और लाइट भी कोई नहीं आएगी। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको लॉक में देखना है कि लॉक में हमारा 48 वोल्ट सप्लाई आ रही है। अगर आ रही है तो क्या हमारा लॉक चाबी जब ऑन कर रहे हैं तो आउटपुट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमको आगे वाल इसका कटोरा खोलना है। इसका कटोरा खोल लो फटाक से, इसकी लाइट खोलना है, जल्दी हटाओ जल्दी से टेप। तो इसका कटोरा भी देखिए हमने खोल लिया यहाँ पे, और इसका लाइट खोल लिया, और ये काला वाला इसका कटोरा जो है इसको भी खोल लेंगे। इसको भी खोल लो, तो इसको फटाफट हम खोल लेंगे कटोरे को। तो आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे तार होते हैं, तो ये तारों को देख के इंसान घबरा जाता है कि भाई इतने सारे तार हैं, आखिर ये किस बात के तार हैं, काहे के इतने तार हैं। तो ये सब तारों की अगर आपको नॉलेज अच्छे से जानना चाहते हैं इन तारों के बारे में कि कौन सा तार काहे का काम करता है और कैसे हम इसकी वायरिंग करेंगे, तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है। तो अब इसका कटोरा हम खोल लेते हैं, कटोरा खोलने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे और इसके जो लॉक के तार हैं देखिए लॉक पर नज़र मारेंगे। देखिए हमेशा याद रखिएगा जो लॉक में तार जाते हैं वो हमारे लाल लाल ज़्यादा तार होते हैं। देखिए इसमें दो तार होते हैं, एक हमारा 48 वोल्ट का होता है जो हमारा पीली डिब्बी से आया होता है, और जब चाबी को हम ऑन करते हैं तो उससे एक तार से आउटपुट सप्लाई होती जो कि हमारी जाती है यहाँ पे। देखिए ये वाला तार आया होता है आउट होके ये इग्निशन वाले तार में जाती है हमारे, ठीक है, जिससे हमारा 5 वोल्ट का सेक्शन ऑन हो जाता है। याद रखिएगा 5 वोल्ट का सेक्शन, एक्सीलेटर में जो सप्लाई आती है 5 वोल्ट, उसका सेक्शन ऑन हो जाता है। तो अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे तो ये दोनों तार हमारे लगे हुए हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई ये देखिए लॉक का तार ही हमारा टूटा हुआ है। देखिए ये लॉक के हमारे दो तार हैं, देखिए कपलर है, ये तार ही हमारा टूटा हुआ है। इधर आओ, यहाँ पे हम देखिए एक बार डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, डायरेक्ट करके देखेंगे कि हमारी सारी लाइटें ऑन हो रही हैं, गाड़ी स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो वैसे तो फ़िलहाल हो ही जाना चाहिए क्योंकि यहाँ लॉक का तार ही टूटा हुआ है। यहाँ से तो ये वाले तार को भी निकाल लेते हैं, इसको आपस में जोड़ते हैं और जोड़ के चेक करते हैं। जोड़ दो आपस में इसको ऐसे, तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे तार को जोड़ा और मीटर में हमारी लाइट आ चुकी है, ठीक है, मीटर में भी लाइट आ गई है, और देखिए यहाँ पे हमारा हॉर्न भी ऑन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गाड़ी को चला के देखते हैं, तो देखिए गाड़ी हमारी नहीं चल रही है। अब गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने इग्निशन का तार निकाला हुआ है, और जैसे यहाँ पे तार लगाएंगे देखिए इग्निशन का,
वैसे ही हमारी गाड़ी ऑन हो जाएगी। वहाँ से जरा एक्सीलेटर लो, एक्सीलेटर फुल लो फुल। तो देखिए गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।